WCC3 के हॉट इवेंट्स का मैच और इंडियन T20 टूर्नामेंट 2021 की सीरीज, और हम आ चुके हैं हमारे एक और मैच के साथ। और आज का ये जो मैच है ये रहने वाला है चेन्नई वर्सेस पंजाब का। और इस चेन्नई वर्सेस पंजाब के मैच में कौन सी टीम जीतने वाली है वो तो खैर बाद की बात है, पर हम चेन्नई की टीम चूज करके खेलेंगे इस मैच को। और इस मैच को जीतना वो हमारे लिए कितना आसान रहता है या कितना मुश्किल रहता है वो हम बिल्कुल देखना चाहेंगे। कोलकाता के स्टेडियम में ये मैच हो रहा है, टेल्स हमने चूज़ किया है, और टेल्स तो वैसे हम चूज़ करते हैं तो टॉस हार जाते हैं, पर यहाँ पर हम टॉस जीते हैं और टॉस जीतकर हमने किया है बॉलिंग का फैसला। और हमारी टीम बॉलिंग करने के लिए तैयार है, ग्राउंड में आ चुकी है और दर्शक भी तैयार हैं और पूरी तरीके से उत्सुक हैं देखने के लिए कि कैसी बैटिंग करती है आज पंजाब की टीम। और वो इस वजह से हमने कहा कि कैसी बैटिंग करती है पंजाब की टीम, क्योंकि काफ़ी बैटिंग अच्छी है, काफ़ी बैटिंग अच्छी नहीं पर बैटिंग लाइनअप काफ़ी अच्छा है इनका। काफ़ी बड़े बड़े बैट्समैन और काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, पर एक तरफ जो कि चेन्नई की टीम है उनका टीम एफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो दोनों ही टीमें काफ़ी कमाल की हैं। पर यहाँ पर पंजाब की टीम ने 191 रन्स बना दिए हैं 5 विकेट खोकर, और बॉलिंग हमारी टीम की तरफ से ठीक ठाक हुई है पर फिर भी रन्स काफ़ी ज़्यादा चले गए। अब 5 विकेट लिए उन्होंने वो अच्छी चीज़ है, पर रन्स काफ़ी ज़्यादा दे दिए, पर खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर अब हमारी टीम आ चुकी है इस चेज की शुरुआत करने के लिए, और पहला ओवर हम खेलेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे एक 5 ओवर्स का ऑटो प्ले। और उस 5 ओवर्स के ऑटो प्ले के बाद कितना स्कोर होता है हमारी टीम का वो देखेंगे। लाल यहाँ पर पहली बॉल पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और बिल्कुल यहाँ पर टाइमिंग परफेक्ट है, और ये तो छक्के के साथ शुरुआत की हमने, और ओपोनेंट टीम के बॉलर ने शुरुआत की है नो बॉल के साथ, और पहली ही बॉल नो बॉल डाली है इस बॉलर ने। और वैसे ये तो अच्छे बॉलर हैं, नए हैं पर अच्छे हैं, पर ठीक है। यहाँ पर एक और बाउंड्री लगाने की कोशिश, और बिल्कुल वो कोशिश पूरी तरीके से सफल रही, और इसी के साथ इस बॉल पर मिला है एक चौका, और 11 रन आ चुके हैं इस पहली 2 बॉल में। यहाँ पर पीछे की तरफ ये लॉफ्टेड शॉट है और एक और चौका मिलने का चांस है, और बिल्कुल मिला है एक और चौका। और अब यहाँ से काम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, पर अब थोड़ा सा संभालने की भी ज़रूरत है, वरना कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लॉफ्टेड शॉट्स खेलने के चक्कर में विकेट चला जाता है। पर यहाँ पर अभी सारे फील्डर सर्कल के अंदर हैं तो लॉफ्टेड शॉट खेला जा सकता है, तो बिल्कुल वो ही हम करने को देख रहे हैं और पावर प्ले का फ़ायदा उठाने को देख रहे हैं। और फिलहाल 173 रन्स यहाँ से चाहिए हमारी टीम को जीत के लिए। और आगे आने वाले ये तीनों बैट्समैन आपने देख लिए, नंबर 4 पर जो बैट्समैन मौजूद हैं उन्होंने काफ़ी रन्स बनाए हैं हमारी टीम के लिए, और काफ़ी अच्छे वो बैट्समैन हैं, पर देखना होगा कि आज वो कैसी बैटिंग करते हैं। और इस ओवर में अभी तक के ये कमाल का ओवर जा रहा है, क्योंकि 23 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर में, और अभी भी 2 बॉल बची हुई हैं, और 2 बॉल बची हुई हैं और 23 रन आ चुका है। ये काम बहुत ख़राब हो रहा है पंजाब की टीम के लिए, क्योंकि भले ही उन्होंने रन्स काफ़ी अच्छे बनाए हैं, 192 रन्स का टारगेट दिया है, पर अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है और अगर आप इसी तरीके से छक्के और चौके दे रहे हो सामने वाली टीम को, तो फिर जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर 1 बॉल बची हुई है और एक और हम लॉफ्टेड शॉट खेलेंगे, और पीछे की तरफ नहीं, इस बार तो हमने मिड विकेट के रीजन में खेलने की कोशिश की, और यहाँ पर एक डबल नहीं एक ट्रिपल लेने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल इस ट्रिपल के साथ आ चुके हैं 32 रन्स इस पहले ही ओवर में, और अब हमें जीत के लिए चाहिए 160 रन्स। और ये 160 रन्स ये काम उतना मुश्किल नहीं होने वाला, पर जैसा कि हमने कहा कि 5 ओवर्स के ऑटो प्ले के बाद देखना चाहेंगे कि कितना स्कोर रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर समय हो चुका है 5 ओवर्स का ऑटो प्ले करने का, और ये दोनों ओपनर्स आपस में थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि इनकी बातचीत का जो भी परिणाम रहे वो सही रहे और इनका विकेट ना जाए इस 5 ओवर्स के ऑटो प्ले में। फिलहाल यहाँ पर 5 ओवर्स का ऑटो प्ले हमने कर दिया है और 3 विकेट जा चुके हैं हमारे, दोनों ओपनर्स जा चुके हैं। नंबर 3 पर जो बैट्समैन आए थे 4 रन बना करके वो जा चुके हैं, और अगर आपने वो कोलकाता वाला मैच नहीं देखा
तो वो बिल्कुल जा कर के देखें, क्योंकि उसी में हमने कहा है कि, और कोलकाता वाला मतलब इसके पहले का जो मैच है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो बिल्कुल जा कर के देखें, क्योंकि उसी में हमने कहा है कि पिछले कुछ 3-4 मैचेस से जब भी हम 5 ओवर्स का ऑटो प्ले कर रहे हैं तो उसमें विकेट्स काफ़ी ज़्यादा गिर जा रहे हैं, पर पहली बॉल पर एक छक्का, दूसरी बॉल पर एक चौका, और ये बैट्समैन बिल्कुल कमाल कर रहे हैं, और 6 बॉल में 17 रन काफ़ी तेज़ी के साथ ये चल रहे हैं, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि ये तेज़ी बरकरार रहे। यहाँ भी एक लॉफ्टेड शॉट है, टाइमिंग लेट है, पर फील्डर को पार किया है और बाउंड्री रोप को भी, और इसी के साथ इस ओवर में ये दूसरा चौका है और तीसरी बाउंड्री है, मतलब कि इस ओवर में आ चुके हैं 14 रन और काफ़ी अच्छा ये ओवर जा रहा है। यहाँ पर टाइमिंग गुड है और बिल्कुल एक और चौका निकाला है, और इस चौके के साथ 25 रन बना दिए हैं इस बैट्समैन ने, और ये 25 रन बहुत ही ज़्यादा अहमियत है इनकी, और वो इस वजह से क्योंकि अभी हमारे विकेट गिरे थे और इन्होंने थोड़ा सा मोमेंटम दिलाया। यहाँ पर फिर से एक लॉफ्टेड शॉट, टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेट है, और ओहो यहाँ पर विकेट जा चुका है इस बैट्समैन का, और 9 बॉल में 29 रन बनाए थे इन्होंने। इस ओवर को बड़ा बनाने में इनका बहुत ही बड़ा रोल था, और बहुत बड़ा क्या बल्कि पूरा रोल तो खैर इन्हीं का था, पर ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर 10 बॉल में 29 रन बना करके ये जा रहे हैं, और अब हम उनको लेकर के आए हैं जो कि एक बॉलर है, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप को या बैटिंग ऑर्डर को हम लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर समय हो चुका है एक और 5 ओवर्स का ऑटो प्ले करने का, और उस 5 ओवर्स के ऑटो प्ले के बाद कितने रन्स बना पाती है हमारी टीम वह बिल्कुल देखना चाहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अब किया जाए एक 5 ओवर्स का ऑटो प्ले, यहाँ से तो 103 रन चाहिए हमारी टीम को जीत के लिए, पर अब 5 ओवर्स के ऑटो प्ले के बाद 123 रन का स्कोर हो चुका है हमारी टीम का, और हमारे कैप्टन जो हैं वो भी आ चुके हैं, और कोई ज़्यादा रन उन्होंने नहीं बनाए हैं, पर फिलहाल वो मौजूद हैं स्ट्राइकर एंड पर, और पहली 2 बॉल में वो 2 डबल ले चुके हैं। ये तीसरी बॉल है, टाइमिंग गुड है, और हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, और इस हेलीकॉप्टर शॉट के साथ यहाँ पर एक चौका लगाया, यहाँ पर फिर से एक लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश, और मिड विकेट के रीजन में टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेट है, और विकेट जा चुका है यहाँ पर, और इस विकेट के साथ हमारे कैप्टन को जाना होगा, और अब कोई भी बैट्समैन हमारे पास नहीं बचा है, और अब तो देखना होगा कि हमारी टीम कैसे जीतती है इस मैच को, क्योंकि यहाँ से भी अभी लक्ष्य बहुत बचा हुआ है, और जैसा कि हमने बताया कोई भी बैट्समैन बचा नहीं है, कोई भी बैट्समैन अब मौजूद नहीं है, सभी आउट होकर के जा चुके हैं, और ये 192 रन का टारगेट, ये टारगेट बड़ा है और काफ़ी बड़ा हो जाता है जब आपके पास कोई बैट्समैन ना हो, पर यहाँ पर तो फील्डर को हम पार करा सकते हैं और पार कराया है, और इसी के साथ इस बॉल पर यहाँ पर एक ट्रिपल मिलने की कोशिश, और बिल्कुल ट्रिपल मिलने की खैर कोशिश नहीं, उम्मीद कर रहे थे हम, और इसी उम्मीद में हम तीसरे रन के लिए भागे और तेज़ी से भागे, और बिल्कुल वहाँ पर पूरा किया हमने वो तीसरा रन, और इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 136 रन बना दिया हमारी टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर, और अब यहाँ पर समय हो चुका है एक और 5 ओवर्स का ऑटो प्ले करने का, तो 5 ओवर्स के ऑटो प्ले के बाद जो बैट्समैन, यानी कि जो बैट्समैन नहीं पर जिस बॉलर को हम लेकर के आए थे अपनी बैटिंग लाइनअप को या बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा लंबा करने के लिए, उन्होंने थोड़ा सा काम संभालने की कोशिश की है, और दूसरे जो मौजूद थे वो अभी भी मौजूद हैं 5 ओवर्स के ऑटो प्ले के बाद, और 12 बॉल में 29 रन चाहिए जीत के लिए, काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, और अब 11 बॉल में 27 रन, ये काम मुश्किल होता जा रहा है, और बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पंजाब की टीम की, हमारे पास कोई बैट्समैन मौजूद नहीं है, और यहाँ पर निकाला है एक चौका, और इस चौके के साथ अब 10 बॉल में चाहिए 23 रन, और एक और चौका लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है, अगर एक और चौका लग जाएगा तो 9 बॉल में 19 रन हो जाएंगे, और वो काम आसान हो जाएगा, पर यहाँ पर विकेट जा चुका है इस बैट्समैन का, और बैट्समैन खैर क्या, ये तो बॉलर है, पर ठीक है जो भी है, अब ये विकेट जा चुका है इनका, और अब 9 बॉल में 23 रन हमें बनाने, और हम तो अभी ये कह रहे थे
कि 9 बॉल में 19 रन बनाने का अगर हो जाए, अगर एक चौका लग जाए तो, पर काम वो भी मुश्किल रहेगा। और यहाँ पर तो अब 9 बॉल में 23 रन बनाने हैं हमें और बहुत मुश्किल हो चुका है अब ये काम, और देखना होगा कि अब इसे पूरा करने में हम समर्थ रहते हैं नहीं, पूरा करने में हम सफल रहते हैं नहीं। पर यहाँ पर एक चौका लगाया है और इस चौके के साथ अब 8 बॉल में 19 रन चाहिए, बहुत मुश्किल यहाँ पर हो रही है और बहुत मुश्किल अभी और आगे भी होने वाली है। यहाँ पर गली के फील्डर को पार कराने की कोशिश और यहाँ पर लगाया एक छक्का, ओहो इसको कहते हैं पूरी तरीके से फायदा, क्योंकि एक ही बॉल में एक छक्का मिला और साथ ही साथ मिली है हमें एक फ्री हिट, और अगर एक और हमने बाउंड्री लगा दी तो फायदा हो जाएगा, और बिल्कुल यहाँ पर एक बाउंड्री लगाई है हमने। और अब यहाँ पर 7 बॉल में जीत के लिए चाहिए सिर्फ 8 रन, और 7 बॉल में 8 रन बनाना ये काम आसान है। और लॉफ्ट हेड शॉट एक खेलने की कोशिश मिड विकेट के रीजन में, और एक चौका लगाया है इस बैट्समैन ने, और इस चौके के साथ अब एक चीज़ तो बिल्कुल कहनी पड़ेगी कि आखिरी ओवर में यानी कि 6 बॉल में बनाना है हमें बहुत ही कम रन्स, और उतने कम रन्स 6 बॉल में बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर एक चौका लग जाए, और एक चौका नहीं, हाँ एक चौका लग जाए तो मैच ख़त्म हो जाएगा, पर फिलहाल यहाँ पर एक चौका लगाना वो काम मुश्किल है क्योंकि सारे फील्डर्स अंदर हैं और बिल्कुल यहाँ पर विकेट जा चुका है, और 5 बॉल में अब 4 रन चाहिए, और इसी वजह से हम कह रहे थे कि चौका लगाना मुश्किल है क्योंकि बैट्समैन कोई भी मौजूद नहीं है, सारे बॉलर्स हैं और बॉलर्स एक दो चौके या एक दो छक्के लगा सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम चाहें तब चौके या छक्के लगाए जा सके आसानी के साथ। पर ठीक है कोई बात नहीं, अब यहाँ पर एक और हम शॉट खेलने की कोशिश करेंगे लॉफ्टेड, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सर्कल के फील्डर्स को पार कराया जाए, और एक और विकेट जा चुका है और सिर्फ एक विकेट बचा है, फिर ऑल आउट हो जाएगी हमारी टीम। और अब क्या करें, पीछे की तरफ शॉट खेलने को देखा जाए या फिर लॉफ्टेड ही खेला जाए, 2 विकेट हम खो चुके हैं। और अगर हम पीछे की तरफ शॉट खेलने को देखें, मतलब अगर पीछे की तरफ शॉट खेलने का हमने सोचा तो वहां पर हम जीत तो सकते हैं, पर वो काम करने में या वैसे जीतने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि 2 विकेट हम खो चुके हैं। बॉलर हैट्रिक पर हैं तो लॉफ्टेड ही हम खेलेंगे, और इस बार तो हमने पार कराया फील्डर को और निकाला है एक 1 बाउंस चौका, नहीं 1 बाउंस नहीं, ये 2 या 3 बाउंस था, पर निकाला है एक चौका, और एक विकेट के साथ हमारी टीम इस मैच को जीती, और बिल्कुल है हकदार हमारी टीम इस जीत की। और मैन ऑफ द मैच कौन होने वाला है वो देखना होगा, ये बॉलर हैं, 2 विकेट इन्होंने लिए थे और ये हैं मैन ऑफ द मैच के हकदार।